हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलिया सर, और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में। 8th स्टैंडर्ड से ये टॉपिक है स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र के लिए। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय रैशनल एंड इरैशनल नंबर। डेफिनेशन के थ्रू, रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं और इरैशनल नंबर सिर्फ एक टाइप का होता है। तो वो कौन से दो टाइप है रैशनल नंबर के, वो समझते हैं। द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर सेड टू बी रैशनल नंबर। जैसे मैंने आपको बताया, दो तरीके के जो है रैशनल नंबर होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब क्या और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मतलब क्या। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो टर्मिनेटिंग का जो मतलब होता है वो होता है फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना, स्टॉप हो जाना कहीं पर एक पॉइंट पर जाके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 2 से तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। अब ये जो हमने डिवीजन किया है ये 1.5 आया, यानी 5 पे जाके ये स्टॉप हो गया, फिनिश हो गया, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, यानी स्टॉप हो गया कहीं जाके। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कहीं ख़त्म नहीं होता है, बट रिकरिंग ऐसा नंबर जो खत्म तो नहीं होना चाहिए बट रिपीट होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब यहाँ पर रिपीट है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10/3, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.333…। यानी ये जो पॉइंट के बाद के जो 3 है वो चलते ही जाएंगे आपके, तो मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली प्रोसेस है। तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म तो नहीं हो रहा है बट रिकरिंग, यानी वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ये दो तरीके के रैशनल नंबर्स होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। कुछ एग्जांपल्स और हम लोग लेते हैं और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, 123 ये रैशनल नंबर है क्योंकि 3 पे जाके स्टॉप हो गया, तो टर्मिनेटिंग वाला रैशनल नंबर है। 15 टर्मिनेटिंग वाला रैशनल नंबर है। 0.222…, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाला रैशनल नंबर है। 23.121212, ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप के हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हैं जो कि रैशनल नंबर होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाले। सो आई होप कि आपको रैशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलेंगे इरैशनल नंबर की तरफ। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर सेड टू बी इरैशनल नंबर। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कहीं ख़त्म भी नहीं होना है और कहीं रिपीट भी नहीं होना है, तो इस तरह के नंबर को बोलेंगे इरैशनल नंबर। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, 12.345, यहाँ पर पॉइंट के बाद के नंबर्स को आप देखेंगे तो वो सारे अलग अलग नंबर है, यानी रिपीट नहीं हो रहे, तो इसे हम लोग बोलेंगे दिस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। आगे और एग्जांपल लेंगे, 0.95432, इसे आप देखिए यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं है और ना ये स्टॉप हो रहा है क्योंकि आगे डैश दिया, तो इसका मतलब है कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये भी एक इरैशनल नंबर हुआ। 23.101001000, अब यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं है, पहले 10 था, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, अब आगे जाएगी तो ये सीरीज और वैसे ही चलती जाएगी, तो इसका मतलब कोई रिपीटेशन नहीं है यहाँ पर। रिपीटेशन का मतलब 1111 अगर साथ में आता तो रिपीटेशन होता, या 0000 साथ में आ रहा है तो रिपीटेशन हो गया, या 10 10 10 10 इस तरह से आ रहा है तो भी रिपीटेशन हो गया, मीन्स 1010010 आ रहा है तो भी रिपीटेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर 1010010 नहीं आ रहा है, 1010001000 इस तरह से ये सीरीज जा रही, तो मतलब ये रिपीटेशन में नहीं काउंट होगा, तो इसे भी बोलेंगे हम इरैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। सो आई होप कि आपको रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में क्लियर एक डिफरेंस पता हो गया होगा। रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी ऐसे नंबर जो कहीं जाके स्टॉप हो जाते हैं या स्टॉप नहीं होते तो रिपीट होते, ये दो तरह के जो है रैशनल नंबर्स होते हैं। इरैशनल नंबर एक ही टाइप का होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी रिपीट नहीं होता है, वो इरैशनल नंबर होता है। सो आगे चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.1 यहाँ पर जो बीट नंबर 1 है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें ये जो नंबर्स दिए हैं, जो फ्रैक्शन दिए हैं, वो नंबर लाइन पे डिनोट करने हैं, यानी वो नंबर लाइन पे हमें शो करने हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए हमें सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसा ना हो कि आपने एक ही नंबर लाइन ड्रॉ की और उस पर जहाँ पे जितने 4 क्वेश्चन है वो पूरे आपने बता दिए, इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब
फोर सब क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन एक सिंपल सी लाइन होती है जिसके ऊपर आप कुछ वर्टिकल लाइंस देते हैं। मिडल में होता है जीरो, जीरो से आगे जो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो से पीछे जो है वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर नंबर्स हमको नंबर लाइन पे लिखने कौन से हैं ये डिपेंड करेगा कि हमको क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो क्या दिया हुआ है। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है हर फ्रैक्शन का वो है टू, हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यहाँ पे टू है। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में वैल्यू है वही हमको यहाँ रिप्रेजेंट करनी है नंबर लाइन पे। तो जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में टू है तो हम लोग डिनोमिनेटर में टू वैल्यू ले के ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आएंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो राइट साइड में हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, यानी ये सीरीज जहाँ तक आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं। या आप समझ सकते हैं कि जो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर है, या जैसे न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर है 5, ये तो -3 हुआ, तो यहाँ 5 सबसे बड़ा है, तो आप 5 तक भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताने के लिए पूरा लेंथी कर दिया है यहाँ पर। वैसे ही अगर आप पीछे जाएंगे तो ये सारे नंबर नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब -1/2, -2/2, -3/2 एंड सो ऑन। अब हमें क्या बोला है कि ये जो नंबर्स है वो हमें शो करना है, पर उससे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस नंबर्स में जो भी 2 से डिवाइड होता है उसे डिवाइड करेंगे। जैसे 2 और 2 एक साथ यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं, 2 के टेबल में 2 कितना आता है 1 सा, तो वहाँ लिख देंगे 1 उसके ऊपर। 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल में 4 कितने जाता है तो 2 सा, वहाँ ऊपर लिख देंगे 2। 6 भी डिवाइड होता है 3 सा, तो वहाँ लिख देंगे 3। 8 भी डिवाइड होता है 4 सा, तो ऊपर लिखेंगे 4। 10 भी डिवाइड होता है 5 सा, तो ऊपर लिख देंगे 5। और 12 भी डिवाइड होता है तो ऊपर लिख देंगे 6। अब ज़रूरी नहीं कि आप हर बार 12 तक ही नंबर लाइन बनाएं, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन को। यहाँ न्यूमरेटर में सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो अगर आप 5 तक भी लिखेंगे राइट साइड में, और यहाँ नेगेटिव वैल्यू जो है वो -3, तो -3 तक लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो काफ़ी है उतना भी। सो यहाँ पर आप वैसे ही लेफ्ट साइड में नंबर लाइन देंगे, टू -2 डिवाइड बाई 2 इज -1, -4 डिवाइड बाई 2 इज -2, -6 डिवाइड बाई 2 इज -3, -8 डिवाइड बाई 2 इज -4, -10 डिवाइड बाई 2 इज -5, एंड -12 डिवाइड बाई 2 इज -6। इस तरह से हमारी जो है नंबर लाइन अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जो नंबर्स दिए गए हैं, जो हमें नंबर्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। 3/2 कहाँ दिख रहा है हमें, 3/2 तो यहाँ पर है, तो हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वन रेक्टेंगुलर बॉक्स, या आप कोई एक सर्कल बनाना चाहते हैं, ओवल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो है वो है 5/2, तो 5/2 भी जो राइट साइड में आएगा, तो यहाँ पर हमारा 5/2 है, उसे हमने डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट इज -3/2, ये लेफ्ट साइड में आएगा, तो -3/2 जो है -1 और -2 के बीच में जैसे आपको दिख रहा है। तो इस तरह से जो हमारा बीट नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो जो क्वेश्चन, जो जो फ्रैक्शंस हमें पूछे गए थे क्वेश्चन में, वो हमने सारे जो है नंबर लाइन पे शो कर दिए हैं। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। यहाँ पर हमें दिया है 7/5, -2/5, -4/5। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद वही प्रोसेस होगा, मिडल में हमें देना है 0, राइट साइड में हमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके हिसाब से नंबर सिस्टम बनाते जाना है। जैसे डिनोमिनेटर में अब हमारे पास 5 है, पहले 2 था, अब 5 है, तो क्या आएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, इस तरह से आपका जो है वैल्यू चलते जाएंगे। और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर यही वैल्यूज नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल है 5 से। तो 5 डिविजिबल है 5 से, तो 5 1 ज़ा 5। 10 डिविजिबल है 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 1 और 2 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो -5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा -1, और -10 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा -2। तो इस तरह से नंबर लाइन अब कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमें फ्रैक्शंस पूछे गए हैं वो हमें डिनोट करना है नंबर लाइन पे। तो 7/5 कहाँ पर दिख रहा है आपको, राइट साइड में, यहाँ पर आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे। -2/5 ये लेफ्ट साइड में आएगा, तो -2/5 के पास हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। एंड -4/5 ये भी जो है लेफ्ट साइड में आएगा, तो यहाँ पर भी हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देना है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है -5/8 और 11/8। अब यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास 8 है, 8 होने का मतलब ये है कि आपको डिनोमिनेटर में 8 की वैल्यू लेते जाना है। तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, इस तरह से चलता जाएगा ये सीरीज। और अगर आप लेफ्ट साइड में आ जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स 8 से डिविजिबल है उसे सॉल्व करना है। तो 8 जो है 8 से डिवाइड होता है 1 जा, और यहाँ पर जो है माइनस 8 डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो वो हो जाएगा माइनस 1। तो अब ये नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हमारे पास नंबर है माइनस 5/8, ये आपका आएगा लेफ्ट साइड में। इस यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस 5/8। नेक्स्ट है 11/8, ये पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड में आएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11/8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन बीट नंबर 1 का, जो कि है 13/10 एंड -17/4। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मिडल में लिख देंगे 0। अब राइट साइड में जो कि डिनोमेटर में वैल्यू 10 है, तो हम लिखेंगे 1/10, 2/10, 3/10, इस तरह से आपके वैल्यूज चलेंगे जहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में यही वैल्यूज जो है नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है आपका वो है 13/10। सबसे पहले देखते हैं कुछ डिवाइड होता है क्या, तो 10/10 एक दूसरे से डिवाइड होता है 1, और -10/10 एक दूसरे से डिवाइड होता है -1। इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगे। तो 13/10 कहाँ पर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दे देंगे। दूसरा है हमारे पास वैल्यू -17/10, तो -17/10 हमारा लास्ट में लेफ्ट साइड में आ रहा है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम इसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे। इस तरह से आप कोई भी जो नंबर लाइन आपको दी है ये आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉट एवर द फ्रैक्शन हैज़ बीन गिवन, जो फ्रैक्शन का डिनोमेटर है उसको ध्यान में रखते हुए। सो आई होप आपको नंबर लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए चलते हैं इसके बीट नंबर 2 की तरफ। इसमें सिर्फ दो ही बीट दिए गए हैं, सो बीट नंबर 2 यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए गए वो देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन दी गई है, उसके हिसाब से आपको जो है नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको आंसर करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर लाइन है इसे हम थोड़ा प्रॉपरली अगर आप देखेंगे तो 0 और 1 के बीच में कुछ छोटे छोटे डॉट्स हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये 0 से लेके 1 तक जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो मतलब कितने डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, कितने पेयर्स ऑफ डॉट। तो 1, 2, 3, 4, यानी 4 पेयर ऑफ डॉट्स जो है कनेक्ट हो रहे हैं, यानी इनका जो डिफरेंस है वो 4 का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी नंबर सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमारे नीचे के जो आंसर है वो इजीली हो जाए। जैसे 4 का डिफरेंस है तो हम क्या लिखेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, ये होता है 4/4। 4/4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 ही वहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं 4/4 नहीं लिखूंगा। आगे चलते हैं, 5/4, 6/4, 7/4, ये है 8/4। 8/4 को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 है, तो वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। आगे लिखते हैं 9/4, 10/4, 11/4, 12/4 वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट हो जाएगा 13/4। ऐसे ही लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे -1/4, -2/4, -3/4, -5/4, -6/4, -7/4, -9/4, -10/4, -11/4 एंड -13/4। तो ये हमारी जो नंबर लाइन हमको दी गई थी अब वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी हेल्प से हमारे जो आंसर्स है वो ईजिली हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी कहाँ पर है, देखिए पॉइंट बी यहाँ पर है। पॉइंट बी जो है कौन सा नंबर या कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पॉइंट बी इज इंडिकेटिंग -10/4। अब चाहे तो आप -10/4 लिख दीजिए, या चाहे तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं ये जिस टेबल में जा रहे हैं। तो माइनस 10 और 4 एक ही टेबल में जाते हैं, वो है 2 के। तो 2 5 10 एंड 2 2 4। तो चाहे आप -10/4 लिखो, चाहो आप -5/2 लिखो, दोनों आंसर राइट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पॉइंट बी इंडिकेट्स द नंबर -10/4। इसको आगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू -5/2। यानी -10/4 और -5/2 इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट यानी इसको हमने एक ही टेबल से डिवाइड करके ये जो आंसर है वो लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटीजर 3/4। सबसे पहले ये फ्रैक्शन समझते हैं। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन, इसे बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे इसे, ठीक है। ये जो सामने 1 लिखा है इसे बोलेंगे इंटीजर्स, इंटीजर, और जो पीछे दिया हुआ है ये होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन और इंटीजर का जो मिक्स होता है उसे मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने का एक मेथड होता है कि आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू इंटीजर से मल्टीप्लाई करनी होती है 4 into 1, और फिर उसे में न्यूमरेटर आपको ऐड करना होता है और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आपको लिखना होता है। सो 4 1 ज़ा 4,
प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 7 एंड डिवाइडेड बाय 4। यानी इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। इम्प्रॉपर यानी जब ऊपर की वैल्यू बड़ी होती है, यानी न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमेटर छोटा होता है, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है 7/4। अब 7/4 जहाँ भी दिख रहा है वो हमारा आंसर रहेगा। तो 7/4 जो है वो सी पॉइंट पर आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट सी इंडिकेट द नंबर वन इंटीजर 3/4। बहुत सिंपल आंसर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। डी जो है यहाँ हमारे पास दिया हुआ है, ये 5/2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए डी को अगर आप देखेंगे तो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 10/4, पर हमें पता है ये इक्विवेलेंट वैल्यू भी होती है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 2 के टेबल में तो वो हो जाएगा 2 5 10, 2 2 4। अगर आप सिंपल ऐसे ही देखेंगे तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, लेकिन हमें इसे सॉल्व करके भी देखना है क्या ये आंसर मिल रहा है हमें 5/2। तो यस, सॉल्व करने के बाद तो मिल रहा है। तो यानी 10/4 को आप 5/2 भी बोल सकते हैं डिवीजन करने के बाद। तो हम क्या लिखेंगे, यस द स्टेटमेंट दैट द पॉइंट डिनोट्स दैट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू। तो इसका आंसर ट्रू रहेगा ना कि फॉल्स। तो एग्जामिनेशन में थोड़ा देख के कीजिए, वहाँ पे 10/4 दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉल्स हो जाएगा। वो डिवाइड होते हैं या नहीं होते ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो बीट नंबर 2 है वो भी अब फिनिश होता है। इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। आई होप जितना भी आपको बताया गया है वो सारा सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। सो यहीं पर आज हम लोग ये वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज़ इलियास सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।